Hello students, for intermediate classes, today I am going to express a exercise translate into English. English में translation कराने जा रहा हूँ कि तो देखिए आप किसी गांव में एक किसान रहता था लिख जाइए आप उसने क्रोध में आकर किसी साधु की हत्या कर दी। और जंगल की ओर भाग गया। उसे अपराधी घोषित करके उसके सर पर इनाम रख दिया गया। उस किसान की भेंट जंगल में एक मछेरे मछुए से हुई। मछेरे ने भी अपने राज्य में चोरी की थी। मछेरे ने भी अपने राज्य में चोरी की थी और सजा से बचने के लिए जंगल में भाग गया था। जंगल में भाग आया था। वे दोनों मित्र बन गए। वे साथ साथ रहते थे। साथ साथ रहते थे। मछेरा कभी कभी जंगल के किनारे बसे गांव में कभी जंगल के किनारे बसे गांव में रात में जाकर चोरियां करता।
खाने का सामान रखा। परंतु किसान कभी भी जंगल के बाहर नहीं जाता था। उसे डर था कि यदि वह पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा अवश्य मिलेगी। एक्सरसाइज नोट कर लीजिए। अब आप देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बनाना है। नोट हो गई। किसी गांव में एक किसान रहता था। आ फार्मर लिव्ड देयर इन अ विलेज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आ फार्मर लिव्ड देयर इन अ विलेज। उसने क्रोध में आकर किसी साधु की हत्या कर दी। ही हत्या कर दी। असैसिनेटेड हत्या करना या फिर ही डाइड नहीं डाइड नहीं पाई हत्या कर दी। असैसिनेटेड या फिर स्लैन स्लैन माने भी हत्या करना होता है। ही स्लैन इसकी हार्मेट ही मर्डर्ड भी हो सकता है। ही मर्डर्ड हार्मेट इन एंगर माने क्रोध में आकर। इन एंगर ही हार्मेट और जंगल की ओर भाग गया। एंड रैन अवे टू द फॉरेस्ट। एंड रैन अवे टू द फॉरेस्ट उसे अपराधी घोषित करके। अनाउंसिंग या डिक्लेयरिंग हिम क्रिमिनल डिक्लेयरिंग हिम क्रिमिनल या फिर ऐसे कर सकते हो। ही वाज डिक्लेयर्ड क्रिमिनल। ही वाज डिक्लेयर्ड क्रिमिनल उसके सर पर इनाम रख दिया गया। आ रिवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन हिज हेड। आ रिवार्ड या प्राइस रिवार्ड माने इनाम। आ रिवार्ड वाज डिक्लेयर्ड माने रख दिया गया घोषित कर दिया गया। ऑन हिज हेड उसके सर। उस किसान की हेड जंगल में एक मछुए से थी। द फार्मर मीट एमईटी अ फिशरमैन इन द फॉरेस्ट। द फार्मर मीट अ फिशरमैन इन द फॉरेस्ट। मछेरे ने भी अपने राज में चोरी की थी। द फिशरमैन आल्सो कमिटेड अ थेफ्ट इन हिज स्टेट राज्य। द फिशरमैन आल्सो कमिटेड अ थेफ्ट कमिटेड सी ओ डबल एम आई टी ईड कमिटेड। और सजा से बचने के लिए जंगल में भाग आया था। एंड
and ran to the forest. Ran to the forest मैंने जंगल में भाग गया था या भाग आया था एक ही and came to the forest कर सकते हो या ran to the forest. To escape the punishment सजा से बचने के लिए सर मैम देखें and ran to the forest, ran in the forest, sorry, and ran in the forest to escape punishment. We dono mitra ban gaye. They became friends. They became friends. They saath saath rehte the. They lived together. They lived together. मछेरा कभी कभी जंगल के किनारे बसे गांव में रात में जाता था. गांव में ऐसा बना रहे जाता था और चोरियां करता था और सामने का सामान लाता था अलग अलग कर दिया. द फिशर मैन सम टाइम वेंट वेंट to the village near the forest at night. Let's take it. The fisherman sometimes went to the village या फिर in the village कर सकते हैं. In the village ठीक है. The fisherman sometimes went in the village near the forest at night and जब चोरियां करता था and committed theft. चोरी करना steal माने केवल चुराना होता है. चोरी करना commit theft. Committed theft और खाने का सामान लाता था and brought, bring माने लाना, bring का second form brought and brought food, food माने खाने का सामान and brought food. परंतु किसान कभी भी जंगल के बाहर नहीं जाता था. But the farmer never went out of the jungle, out of the forest. But the farmer never went out of the forest. उसे डर था. He was afraid. यदि वह पकड़ा गया. If he was caught. तो उसे फांसी अवश्य मिलेगी. He shall be given. Hang माने फांसी ले. He will be hanged. उसे सजा फांसी की सजा दी. He was afraid. If he was caught, he will be hanged. He will be hanged.